हाँ भाई, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिफाइन कर लो वाले जो इनक्वालिटीज होती है जिसमें हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है वो वाली देख लेते हैं जल्दी से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, फिर भी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। ज़्यादा आता नहीं है फिलहाल इसमें से। तो क्या करना होता है इसमें, पहले तो इसको चलो ऐसे कर लिया, तो ये जाएगा एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स इज ग्रेटर देन टू, यस यही आएगा। अब अगर तुम इसको डिफाइन करना है तो यार देखो क्या होगा, या तो एक्स प्लस थ्री बाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या फिर एक्स प्लस थ्री बाई एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, मतलब मैं कहूँगा कि तुम खुद कर लेना ये, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या करोगे कि एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, माइनस ग्रेटर देन टू, ठीक है। अब टू को इधर ले आओगे, माइनस टू कर दोगे इधर ग्रेटर देन जीरो, और इधर भी इसको भी इधर माइनस कर दोगे ग्रेटर देन जीरो, और फिर ये माइनस माइनस करके सॉल्व कर लेना तुम। आपको सोचा होगा ये जो दो केस बन गए तुम्हारे पास, तो इसको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, ये तो इनइक्वालिटी से सॉल्व हो जाएगा सीधे सीधे। क्या आएगा इसका आंसर अगर तुम इसको सॉल्व करके सीधे सीधे ट्रिक लगा दे रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं मतलब माइनस इन्फानाइट से जीरो यूनियन थ्री से इन्फानाइट, राइट राइट है, ये तो आएगा। और नेगेटिव वाले के लिए क्या आएगा, नेगेटिव वाले के लिए आएगा फ्रॉम जीरो से थ्री, राइट है। हाँ ये आएगा। तो ये हमारे पास दो केस बन गए, तो ये जो केस बना फिर तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कोई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो तुम्हारे को एक्स की वैल्यू मिलेगी उसका इसके साथ क्या लोगे तुम, इंटरसेक्शन लोगे। सिमिलरली इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसको और इसको उसका इंटरसेक्शन लेना, फिर जो आंसर आएगा इसका और जो इसका आएगा उसका यूनियन ले लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं क्यों ज़्यादा पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और मतलब ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर आई आई टी वाई टी में आता नहीं है ये, बस मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ कि अगर तुम मानोगे नहीं है ना, और तुमने कहीं फालतू का इधर उधर का कोई मटेरियल वटीरियल खोल लिया तो तुम्हें ऐसे की चीज़ें मिल जाएंगी, फिर तुम कहोगे पढ़ाया नहीं, ये नहीं करा वो नहीं करा, वरना लिटरली बता रहा हूँ आई आई टी में नहीं पूछा आज तक ये सब बकवास की चीज़ें एकदम। अब क्या बोला है, एक्स माइनस वन का मॉड डिवाइड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, तो फिर से जल्दी से बता रहा हूँ क्या करेंगे, पहले बोल देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वन, फिर बोल देंगे एक्स इज लेस देन वन। अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो कैसे खुलेगा ये खुलेगा कुछ इस टाइप से, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसमें कैसे खुलेगा, इसमें तुम्हारा मॉड जो है नेगेटिव होकर खुल जाएगा, यानी कि वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब तुम फिर से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इस एक्स की वैल्यू का इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, ठीक है। फिर इस एक्स की वैल्यू का लोगे इंटरसेक्शन इसके साथ, फिर इन दोनों का यूनियन ले लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वही कर रहे हैं हम लोग इसमें भी। अच्छा अब ये वाला भी देख लेते हैं कि इस वाले में क्या करोगे, तो अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या करेंगे यार, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है वन, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है टू, समझ गए। तो क्या करेंगे, ये रही बेटा, ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा एक्स माइनस वन, ये रहा एक्स माइनस टू, ठीक है। तो एक्स माइनस वन जो है वो अगर टू के आगे देखूँ तो दोनों पॉजिटिव होंगे, टू के इस तरफ देखूँ तो ये बंदा तो पूरा टाइम नेगेटिव हो गया है ना, ये ऐसे ये ऐसे, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐसे खुलेगा माइनस एक्स माइनस वन है ना, माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू चार, वही सिंपल डिफाइन करके कर लेना है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला वाला नेगेटिव पे ही खुलेगा और दूसरा वाला, तो ये रहेगा एक्स माइनस वन पॉजिटिव और ये नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या होगा, तो इस वाले के लिए होगा तुम्हारे पास दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, यानी कि एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू चार, ठीक है। तो चलो इस वाले को सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो सॉल्व कर ही सकते हैं शगुन का, तो इसका क्या आंसर आएगा। अरे इसको तो मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकता है यार, मैं भी बेवकूफ हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से करूँगा यार, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ क्या है। तो ट्रिक से कर दो सीधे सीधे, क्या आएगा बोलो सीधे, पहले जो ज्वाइन कर ले रहे हैं तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब एक्स एक्स विल भी ग्रेटर देन टू, और जब एक्स जो होगा वो वन से टू के बीच में होगा है ना, फिर एक होगा कि एक्स ग्रेटर देन वन है ना, ट्रिक याद आ रही है। और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वन है तो वन आ गया, फिर इन दोनों का इसका सब्ट्रैक्शन इसका उल्टा करके लिख दिया तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ना, डायरेक्ट ट्रिक याद आ रही होगी, मैंने बताया था तुमको कि ये लो इसका उल्टा कर दो। अब क्या करना है, अब इसको बताना है ग्रेटर देन चार, तो यार कर लो आपके, उसमें क्या बड़ी बात है, माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये ग्रेटर देन इक्वल टू चार कब होगा, अगर इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा राइट, फिर ये हो जाएगा टू एक्स, इसको दले कटाएंगे तो माइनस वन राइट, सो एक्स इज लाइक वन बाई टू। अब एक्स लेस देन वन बाई टू का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, तो उसने बोला है एक्स जो है वो वन से छोटा होना चाहिए और ये बोला है एक्स जो है वो वन बाई टू से छोटा होना चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली एक्स लेस देन वन बाई टू इज इंटरसेक्शन है ना, तो ये सही है। फिर अब इसका देख लो, तो वन जो है क्या वो ग्रेटर देन होता है चार से, नहीं होता है, तो इस वाले इसको तो हटाई दो, ये तो है ही नहीं, कैसी नहीं है मतलब तरीके से। फिर इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें उसने बोला है टू एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन चार, यानी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन सेवन बाई टू, सेवन बाई टू क्या होता है समथिंग लाइक 3.5, तो 3.5 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे उसने क्या बोला केस में कि दो से बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये सही है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, तो इन दोनों का यूनियन ले लोगे राइट, वैसे इसका आंसर जो है यहाँ पे प्लस वन होगा तो यहाँ पे आंसर माइनस वन आएगा, तो फिलहाल ये एक इसका आंसर है और एक ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा अब देखते हैं ये वाला कैसे होगा। हाँ भाई, तो क्या करेंगे,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा बस। तो 3x-2 जो होगा जब वो पॉजिटिव होगा है ना, और या फिर 3x-2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये दो केस बनेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, x²-3x+2 इज ग्रेटर देन 0 है ना, कितना सिंपल सा। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या खोलेगा, x²-+3x-2 ग्रेटर देन 0, एज सिंपल एज दैट, बोलो सही है। तो अच्छा तो फिर इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेट अ सेकंड, एक सेकंड गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा अगर नेगेटिव में खुलेगा तो इधर तो नेगेटिव आएगा तो साथ में इधर भी तो नेगेटिव आएगा, ये रुक जा रुक जा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, सही कर रहा था, क्योंकि माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल ये बन रहा है x²-3x+2। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका सीधे सीधे हो जाएगा 1 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, तो हम अपने ट्रिक से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x लेस देन 1 होना चाहिए एंड x शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे और लगाना चाहिए वैसे तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है वो कि x जो है वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, 2/3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x इज लेस देन 2/3, ठीक है। तो अगर x जो है वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या बनेगा। अगर तुम्हें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना तो तुम वो कैसे लोगे, तो देखो 2/3 का है, यहाँ पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा ये वाला बंदा क्या बोल रहा है बेचारा, ये बोल रहा है कि भाई तू ऐसा कर 2 से है ना, 2 से आगे और 1 से पीछे, ये तो बोल रहा है ये वाला बंदा। और ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये वाला बंदा बोल रहा है 2/3 से ऊपर वो रहना चाहिए, आगे आगे 2/3 से आगे आगे रहना चाहिए। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर ये इंटरसेक्शन हो रहा है पूरे पूरे में, ठीक है। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर इतनी चीज़ का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 से 1, ठीक है, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। अब हमें इस वाले को भी तो सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो फिलहाल पहले तो ये बताओ ये क्या है, 3x-2 है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो गया बाई चांस तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेना, फिर इसका वो कर लेंगे क्या कहते हैं उसको, इंटरसेक्शन ले लेना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज तक इस टाइप का IIT में नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो मेरे लिए बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता कौन सा वाला है, वो जो घोड़ा मेथड में बताया था ना, वो वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला है, ये सब चीज़ें, इनइक्वालिटी अगर आती है तो इससे आती है बस। और ये वो कहाँ पूछता है, वो क्वेश्चंस में ये पूछता है, बाकी जो मेन जो जो उसने IIT ने आज तक पूछा है वो इक्वेशंस पूछता है मेनली, जो उसने इंडिपेंडेंटली अगर उसने मॉडल से कुछ पूछा है ना तो उसने इक्वेशंस पूछी हैं। और इन इक्वेशंस वो कहाँ पूछता है, तो इन इक्वेशंस वो क्वेश्चन में लगा लगा के पूछता है, वरना इक्वेशंस जो है वो डायरेक्टली पूछता है। तो अभी हम लोगों ने मॉडल इक्वेशंस पढ़ ली, मॉडल इन इक्वेशंस पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है ग्राफिकल एनालिसिस। उससे पहले मेरे पास दो क्वेश्चन है जो IIT ने पूछा, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि IIT किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये IIT के क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व, क्या वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, तुम खुद कहोगे कि इतने टफ टफ कराने का कोई सेंस ही नहीं बनता, और लोग बहुत टफ टफ कराते हैं फालतू फालतू के, ये दिखाने के लिए कि हमारा मतलब सबसे एडवांस लेवल कोर्स है। अबे एडवांस लेवल कोर्स बनाना है ना तो AOD पे बनाओ, इंटीग्रेशन पे बनाओ, उसमें मजा आएगा, वो मैं भी बनाऊंगा, इसमें कोई सेंस नहीं बनता ना करने का, फालतू का क्या टाइम वेस्ट करना है। और हमने जितना पढ़ाया तब बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से तो PhD करा ली पूरी JEE एडवांस मेंस के लिए, ठीक है। फिलहाल द सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यहाँ पे मुझे बार बार दिख रहा है रूट एक्स, क्या बकवास है ये, रूट एक्स को क्या लिख लेंगे अपन, मैं तो कह रहा हूँ रूट एक्स को तुम ए मान लो, छुट्टी करो, ए मतलब कुछ भी मान लो, टी वी जो तुम्हें मानना है वो मान लो, राइट। तो अगर हम इसको ये मान लेंगे, मतलब रूट एक्स को अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया बेसिकली, तो इससे मेरा क्या मतलब, इससे क्या फायदा हुआ, एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि तो रूट एक्स जो है ना ये गंदा, एक गंदी वाली फीलिंग आती है रूट एक्स को देख के, तो कभी भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन में गंदा गंदा लगे तो उसको अगर तुमने कुछ मान लिया तो वो तुम्हारा आधा काम आसान कर देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, और ये हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं यार अब तो। तो a-2 + a (a-4) + 2, ठीक है, इससे एक और फायदा होता है, तुम्हें क्वेश्चन दिखने लगता है कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या जा रहा है, पहली बात तो। अच्छा एक और बात बता दो मेरे को, यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू ए है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट एक्स हमेशा क्या नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो डेफिनेटली ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और अच्छा अगर रूट एक्स को डिफाइन होना है तो उन्होंने ये बड़े आराम से दे भी रखा है यहाँ पे कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, अच्छा इससे एक और बात समझ में आ रही है कि एक्स जो है वो 0 नहीं है, खैर ये सब तो फालतू की बातें, हम तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन पे देख के हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a²-4a+2, ठीक है, और ये लिखा हुआ है a-2, ठीक है। और अभी मेरे को कोई हिंट नहीं मिल रहा कि मैं कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूं, मतलब कोई ऐसी कोई समझ ही नहीं आ रहा है। फिर जब तुम इस तरफ देखोगे इधर तो तुम्हें एक फीलिंग आनी चाहिए कहीं ना कहीं वो तो नहीं बन रहा कहीं, देखो अगर a-2 है और सोच के देखो अगर मैं कहीं से a-2 का होल स्क्वायर बना लूं और मेरे को दिख भी रहा है कहीं ना कहीं कुछ बनता हुआ दिख तो रहा है इसमें, तो देखा जाए तो ये क्या है, ये है a²+4-4a, तो तुम्हें a²-4 होता दिख रहा है, बस एक +2 की जगह +4 चाहिए तुमको, तो मैंने लिख लिया, क्या बड़ी बात है, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²-4a और ये हो जाएगा +4,
और यहाँ पे माइनस टू कर लो। अब टू को ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है उसमें? हमें तो ये दिख रहा है कि यार इसको अगर हमने इस तरह से लिख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा सुनो, देखो तो ये हो गया मॉड ए माइनस टू प्लस प्लस, ये हो जाएगा ए माइनस टू का होल स्क्वायर, बिल्कुल। फिर ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं मॉड ए माइनस टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मॉड ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ पर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, और मैंने अभी भी बोला कि अगर कोई भी गंदी सी चीज़ रिपीट हो रही हो तो उसको कुछ मान लो। तो यहाँ पे मॉड ए माइनस टू ही रिपीट हो रहा है, मॉड ए माइनस टू जो है वो रिपीट हो रहा है, तो मैंने उसको टी मान लिया, छुट्टी करो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका इसका क्या सॉल्यूशन होगा बताओ, इसके अगर हम रूट्स निकालने बैठेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, समथिंग लाइक दिस, टी माइनस वन इंटू टी प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना, सिंपल फैक्टराइजेशन किया है। अच्छा तो फिर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर टी इक्वल टू वन और माइनस टू। अब टी एक्चुअल में क्या था, टी तो मॉड के बराबर था यार, तो मॉड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ही, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझ रखा है यहाँ पे, तो टी तो वन ही हो सकता है सिर्फ। तो अगर टी वन हो सकता है दैट मीन्स कि मॉड ए माइनस टू जो है दैट इज इक्वल टू वन, और अगर मॉड ए माइनस टू वन है तो ये भी हमें बड़े अच्छे से आता है, क्या ए माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन। तो ए क्या हो जाएगा, अगर तुम प्लस ले लो तो हो जाएगा टू प्लस वन दैट इज थ्री, और अगर तुम माइनस ले लो दैट इज टू माइनस वन दैट इज वन। ठीक है, तो ए की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, थ्री और वन। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू वन है और अगर ए की वैल्यू थ्री है तो इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट इज ए, ए एक्चुअल में क्या था, रूट एक्स था, तो रूट एक्स क्या हो गया वन, और यहाँ पर रूट एक्स क्या हो गया थ्री हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ऑब्वियसली मैं करूँगा और फिर मैं चेक कर सकता हूँ, तो रूट एक्स इक्वल टू वन से क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स इक्वल टू वन, और क्या है ना, और इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और इससे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू नाइन मिलेगा, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हारा, और उसने बोला था कि सम ऑफ रूट्स बता, तो इनका सम क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो तुम देखा कितना सिंपल क्वेश्चन, कैसे सिंपल है ये, सिंपल इस तरीके से है कि बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ इसमें यूज़ हो रही थी ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का था, मॉडुलस और इन सब का कंसेप्ट बस बहुत जरा सा था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कभी भी तुमसे मॉडुलस का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछता है कि हल्का सा मॉडुलस लगा दिया, हल्का सा इरेशन लगा दिया, पर बेसिकली क्वेश्चन किसका माना जाएगा, क्वेश्चन तो अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही माना जाएगा ना। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर बुकों में मॉडुलस और इन सब का कोई चैप्टर ही नहीं होता, कोई चैप्टर नहीं होता इनका। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का और दिमाग खराब होता है क्योंकि ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन है फाइव प्लस, चलो इसको थोड़ा बहुत देखते हैं, फाइव प्लस टू की पावर एक्स माइनस वन, राइट, ये तो है और उसका मॉड दे रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या है, इक्वल्स टू टू की पावर एक्स, इक्वल्स टू टू की पावर एक्स और टू की पावर एक्स माइनस वन। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा है, रिपीट होता है, अच्छा टू की पावर एक्स माइनस टू है। ठीक है, बढ़िया, इसको हटा दे रहे हैं ऊपर से। हाँ भाई बताइए क्या लग रहा है, क्या इसमें हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, बोलो खुद बताओ मेरे को। अब तो तुम्हें यार खुद सुनना चाहिए कि टू एक्स, टू की पावर एक्स माइनस वन, ये गंदा सा टर्म लग रहा है, और यहाँ पर भी टू की पावर एक्स माइनस टू लिखा हुआ है, तो वो मैं टू की पावर एक्स माइनस वन के फॉर्म में लाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर टू की पावर एक्स माइनस वन को क्या मान लिया, टी मान लिया, बोलो सही है। तो इससे क्या हो जाएगा, फाइव प्लस, वैसे ये एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे ना लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल वाला, उसका क्वेश्चन है बेसिकली ये। पर यार मतलब इतना बेसिक तो तुम्हें आता ही होगा ना, इतना चलता है, मतलब बेसिक इन द सेंस तुम्हें इतना तो आता ही है कि अगर यहाँ पर टू की पावर एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर टू की पावर वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू वन, सिंपल है ना। इतनी तो आई थिंक सो, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ कि इतना तो आता ही होगा। तो फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है, मॉड टी इक्वल्स टू, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, टू की पावर एक्स, तो टू की पावर एक्स क्या हो गया, टी प्लस वन। ठीक है, क्या हो गया, टी प्लस वन। नाउ व्हाट इज टू की पावर एक्स माइनस टू, तो टू की पावर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू की पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, और टू की पावर एक्स माइनस वन क्या है, टी है, तो ये हो गया टी माइनस वन, तो टी माइनस वन। अब तुम्हें लग रहा है यार ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा लग रहा है देखने में, मतलब सोच के देखो, फाइव प्लस मॉड टी, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये सिंपल सा हो गया टी स्क्वायर माइनस वन, एज सिंपल एज दैट। और अब मुझे भी पता है कि टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर तो मॉड टी का स्क्वायर होता है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा अब इसको बदल ले जाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारी इक्वेशन, क्या बन गई फाइनल, तुम्हारी फाइनल इक्वेशन जो बन चुकी है वो है मॉड टी स्क्वायर माइनस मॉड टी, है ना, माइनस मॉड टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, तो मॉड टी इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके क्या इसके वो आएंगे रूट्स, तो आई होप से समझ में आ रहा होगा, इसके रूट्स आएंगे, एक आएगा थ्री और दूसरा आएगा माइनस टू, डेफिनेटली माइनस टू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मॉड है ये। ठीक है, तो मॉड टी जो है वो थ्री के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि टी क्या है, तो टी है बेसिकली प्लस माइनस थ्री, ये तो मतलब हुआ इसका। अब टी अगर प्लस माइनस थ्री है तो वो उसको हम इसमें डाल देंगे, ये तो कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो टू की पावर एक्स माइनस वन था हमारे पास, और ये जो है ये थ्री के बराबर भी हो सकता है और माइनस थ्री के बराबर भी हो सकता है,
तुम मुझे बताओ क्या ये माइनस थ्री के बराबर हो सकता है? बोलो, टू की पावर एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई बोलेगा क्यों होगा, तो तुम खुद सोच लो ना। टू की पावर, तुम एक्स ऐसा मुझे कोई भी ऐसा नंबर बताओ जिसके लिए नेगेटिव हो जाए। एक नंबर बताओ जिसके लिए नेगेटिव हो जाए। कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। तुम चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल दो, मानो तुमने इसमें डाला, मानो माइनस वन डाल दिया, तो ये वन बाई टू हो जाएगा। तुम इसके अंदर जीरो डाल दो तो ये वन हो जाएगा। तुम इसमें कोई पॉजिटिव नंबर डाल दोगे तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसके लिए वो हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और अगर ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो पॉजिटिव में से अगर तुम वन हटाओगे तो क्या माइनस थ्री आएगा? क्या नहीं आएगा? तो माइनस थ्री इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स द ओनली सॉल्यूशन इज टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू थ्री। दैट मीन्स टू की पावर एक्स इक्वल्स टू, इसको तो ले जाओ, दैट इज फोर, दैट इज टू का स्क्वायर, राइट? तो एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन भी सिंपल लगा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर आईआईटीज में आते हैं, ठीक है? वो आईआईटीज में वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, बच्चों वाले कह रहा हूँ सॉरी, ये बकवास क्वेश्चन नहीं पूछता है, उन्होंने ऊपर देखे हैं अभी। ये मैंने क्यों देखे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया कि अगर तुम नहीं माने मेरी बात, है ना, फालतू में तुम कोई शीट वीट सॉल्व करने बैठ गए तो फिर तुम वो मत बोलो भाई, है ना, कि हमने पढ़ नहीं रखा है और ये है बेकार है, एडवांस लेवल नहीं है, ये सब बकवास, ठीक है? तो चलो, 16 मिनट में हमने इतना चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं ग्राफिकल वाला, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। वो पूछ चुका है, वो दो तीन बार पूछ चुका है वो। तो अच्छा, ये सिंपल सी बात तो समझ में आती है ना, कि अगर मैं मॉड एक्स ले लूँ और फिर मैं लगा दूँ मॉड क्यूबर मॉड एक्स, और फिर लगा दूँ मॉड क्यूबर मॉड क्यूबर मॉड एक्स, तो वो सब बात एक ही है। मतलब जैसे मानो ऐसे ले लो, हमारे पास है मॉड माइनस फाइव, तो ये 5 के बराबर होगा। कोई बोल दे मॉड के अंदर माइनस 5, इसका क्या मतलब है? अंदर क्या हो गया? 5 ही हो गया। तो इसका आंसर अभी तो 5 ही आ रहा है। और कोई ऐसे लगा दे, मान लो 4 लगा दिया उसने, फिर अंदर माइनस 5 लगा दिया, फिर यहाँ पर फिर से 4 लगा दिया, तो यार इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो वही है, अभी भी आंसर क्या आएगा इसका? 5 ही आएगा अभी भी। अबे अंदर वाला क्या बोलेगा? 5 का मॉड, ठीक है, फिर बाकी वाले 3 आ जाओ, फिर क्या होगा? फिर से इसका तो आंसर 5 ही आना है। तो 5 का मॉड, वो जितने भी मॉड में गिन भी नहीं रहा हूँ, है ना, इसका आंसर 5 ही आ जाएगा, सिंपल। तो ये फालतू में कई बार लोग कन्फ्यूज़ करने के लिए मॉड एक्स की जगह तुमको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, इसलिए मैंने जान पूछ के यहाँ पर लिखा है ये। अब हम लोग आ रहे हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, ग्राफिकल एनालिसिस। और इसको मैं एक्चुअल में से बताऊँ तो मैं इसको ट्रिक से कराता हूँ, सही बात तो ये है। मतलब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, जो कि उससे होगा, मतलब पूरा संस्कारी तरीके से, जो सरकारी नोट्स में, जो हर बुक में तुम्हें मिलेगा तरीका, है ना, हर टीचर तुम्हें इसी तरीके से पढ़ाएगा। पर जो मेरा तरीका है वो काफ़ी हद तक बहुत ही कम लोग तरीके से पढ़ाते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो वो उस तक पढ़ाऊंगा तो उससे मज़ा आएगा तुमको, ठीक है? तो मतलब लिटरली मज़ा आ जाएगा, मतलब वो जो तरीका होगा सिंपल वैल्यू पुटिंग वाला तरीका होगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बेसिस पे हम लोग जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं नहीं करूँगा, तुम करोगे, मैं थोड़ा करूँगा, मैं क्यों करूँगा, तुम करोगे और तुमसे हो भी जाएगा, जाओ लिख के ले लो। और वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है उस टाइम का, टफेस्ट इन द सेंस कि अगर उसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो वो इतना लंबा है कि कुछ कहने की नहीं है, मतलब हद से ज़्यादा लंबा है अगर उसको नॉर्मल मेथड से करेंगे। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं, पहले कराता हूँ संस्कारी तरीके से एक क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे जो उसका वो तरीका है, मतलब जो मेरा तरीका है, ठीक है? तो जो सबसे सिंपल तरीका होता है, मतलब जो एक सबसे वो वाला तरीका होता है, वो क्या होता है? वो होता है कि इसको डिफाइन कर लो, यानी कि अगर तुम इसको एक फंक्शन मान के चलो तो y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस थ्री, ठीक है? अगर तुम इसको डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? वही अपनी ट्रिक से कर देंगे और क्या, है ना, कि अगर x जो है वो 1 से 3 के बीच में है और x जो है वो 3 से बड़ा है और x जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है? तो डिफाइन करने की ट्रिक बना रखी है, सोचो यार, इतना काम कर चुके तुम्हारे लिए ऑलरेडी। तो 2x-4 यहाँ आ जाएगा, -2x-4 और इनका डिफरेंस क्या है? 2, तो ये आएगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो बहुत लंबा तरीका है, अभी जो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा वो फिर भी बहुत छोटा तरीका है, ठीक है? तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाना, तो कैसे इसका ग्राफ बनाया जाए तो समझो। देखो, अब यहाँ बना लेते हैं 1, ठीक है, और ये है तुम्हारा 3, ठीक है? तो ऐसा करो, एक यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन टाइप की खींच सकते हो फॉर रेफरेंस पर्पसेस। हाँ भाई, तो भाई कैसे हम इसको सोचें? हमसे बोला गया 2x-4, क्या तुम्हें 2x-4 प्लॉट करना आता है? तो अगर नहीं आता तो मैं इतना तो आता होगा कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन की होती है, ये y इक्वल्स टू एक्स होता है, तो ये होता है y इक्वल्स टू 2x, ठीक है? अब इस y इक्वल्स टू 2x जो है ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, कितना नीचे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, तो ये ऐसे पास करेगा। मतलब क्या हुआ कि इस y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन को थोड़ा नीचे ले जाओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो होना चाहिए 0, -4, ठीक है? तो ये लाइन बन जाएगी तुम्हारी 2x-4, ठीक है? तो हमने ऐसे ही लाइन बनाई यहाँ पे, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं आता तो ये मैंने ऐसे लाइन बनाई, ठीक है, इस टाइप से। ये पूरी लाइन अगर तुम बनाना चाहो तो यहाँ तक जाएगी, समझ में आ रही है बात? पर मैं बनाऊंगा नहीं, फालतू में क्यों बनाऊँ, मुझे पता है सिर्फ कि जब एक्स जो है वो 3 से बड़ा है तभी उतनी ही लाइन होती है, तो मैंने उतनी बना ली ऐसे करके, ठीक? तो मेरा इतना कवर हो गया। फिर उसने बोला है, उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला है, फिर उसने मुझसे बोला है कि फॉर वन टू थ्री योर एक्स, तुम्हारा जो फंक्शन है वो है वाई इक्वल्स टू 2। तो व्हाट इज़ वाई इक्वल्स टू 2? अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है,
मैंने वो लाइन थोड़ी गलत बना दी थी, मैंने 3 से इंटरसेक्ट होती हुई लाइन बना दी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। 2x-4 जो है, पहले तो हम बनाते हैं y=2। सबसे सिंपल y=2 का है यहाँ पर है, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं। चलो मान लो इसको 2 मान लेते हैं और ये 1 मान लेते हैं। तो अगर ये 2 है तो y=2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y=2, राइट। अब ये चेक करो कि 2x-4 की वैल्यू क्या होती है। तो 2x-4, अगर इसके अंदर मैं x=3 डाल दूँ तो क्या आएगा, 2 × 3-4, दैट इज 6-4, दैट इज 2। यानी कि एट x=3 उसकी हमारे जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो लाइन कैसी होगी, इस टाइप की होगी लाइन। ये लाइन कौन सी बनाई मैंने, ये लाइन होगी 2x-4। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो दिक्कत नहीं है, इसको ट्रिक से समझेंगे ना तो तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। यार ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, ये तो फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये है y=2 वाली लाइन है और ये है y=2x-4, ठीक है। अच्छा अब इसको दूसरे वाले तरीके से समझते हैं, मतलब अब ये देखते हैं y=2x-4। तो कुछ नहीं, अगर तुमने एक ऐसी लाइन बनाई थी और तुमने उसका नेगेटिव कर दिया तो वो ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर तुम इसके अंदर 1 डाल दोगे, यानी -2x-4 ये तुम्हारी लाइन है, इसके अंदर x=1 डाल दो। जब तुम इसके अंदर x=1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -2-4, राइट। दिस इज वॉट, दिस इज -(-2), दैट इज =2। तो यहीं पर आ रहा है वो पॉइंट भी। तो इसकी लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, और क्या है ना, सिंपल। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया बेसिकली, ये बोर्ड वाला ग्राफ बन गया। तो बस ये इसका तरीका होता है, ये बहुत लंबा तरीका है। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ और फिर हम लोग सारे क्वेश्चन जो है वो अपने शॉर्टकट से ही करने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें खुद मजा आएगा, देखो इतना बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल तुम नीचे देख सकते हो, नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो कितने अलग लेवल के लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो अब बिल्कुल कहते हैं ना एकदम पेटियाँ बांध लो और अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। x-1 x-3, राइट। इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो 3, बिल्कुल। तो अब इसके अंदर 1 डाल दो, 1 इसके अंदर डाल दे, क्या आएगा बोलो जल्दी से बोलो, 0 + 1-3 का मॉड, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो यानी कि f1 जो है, f1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। f3 क्या आ रहा है, f अगर मैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर इसको हम fx मान लें, तो इस फंक्शन के अंदर तुम 3 डालोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 + 3-3 = 0, तो दैट इज 2। तो 2 ही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, 1 से पहले कोई नंबर ले लो, मान लो तुमने 0 ले लिया, और 3 के बाद कोई नंबर ले लो, मान लो तुमने 4 ले लिया, ठीक है। तो f0 ले लेते हैं, तो f0 क्या होगा, f0 का 1 + 3, दैट इज 4। अब तुम ले लो 4, f4, नंबर f4, तो यार f4 है तुम्हारा, f4 क्या है, तो हमारे पास f4 हो जाएगा 4-1, दैट इज 3, 3 प्लस और 4-3 हो जाएगा 1, यानी कि क्या आंसर आ गया, 4 ही आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी तो कोइंसिडेंस वाली मतलब एक बात हो गई कि ऐसा हो गया। अब हमने अपना सिंपल एक्सेस बना लेंगे, तो ये तुम्हारा है 0, ठीक है, ये तुम्हारा है 1, ये है तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4। 2 को मैंने बनाया नहीं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, चलो इतना तो समझ में आ गया हमको कि ऐसा ऐसा हो रहा है और 0 से तुम्हारी वाई एक्सेस भी पास करेगी विदाउट एनी डाउट, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, तो 1 पे तुम्हारा आंसर क्या था, 1 पे तुम्हारा आंसर था 2, एक सेकंड यहाँ पे ये तो बना ले। तो ये 1 है मान लो, और ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो 1 पे आंसर क्या था, 1 पे आंसर था 2, ठीक है। 3 पे आंसर क्या था, 3 पे भी आंसर क्या था, 2 ही था, राइट। 0 पे आंसर क्या था, 0 पे आंसर था 4, ठीक है, और 4 पे क्या आंसर था, 4 पे आंसर भी 4 था। अब ये देखो तुम, ये पूरा लीनियर लीनियर है, मतलब मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर लीनियर है। लीनियर फंक्शन जो होता है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो बात खत्म, इसका ये आंसर हुआ, ये खचक खचक ऐसा दिखेगा तुम्हारा ग्राफ, और इसको आगे तक खींच दो, ऐसे बढ़ते इसको आगे तक खींच दो, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अब दूसरा बनाओ, हाँ भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिख लिया 0, यहाँ लिख लिया 4। अब 4 के बाद को सोच लो, मे बी 5 सोच लो, ठीक है, और 0 से पहले को सोच लो, मे बी -1 को सोच लो। तो अब 0 पे क्या आंसर आ रहा है, तो 0 पे इसका क्या आंसर आ रहा है, अगर तुम फंक्शन के अंदर 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 + -4, दैट इज 4, 4 आ रहा है, राइट। तो क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली इसके अंदर 0 डाल रहे हो, तो f0 तो 4 आ रहा है। अच्छा f4 कितना आ रहा है, मतलब अगर तुम फंक्शन के अंदर 4 डालोगे तो क्या आएगा, 4 + 4-4, दैट इज 0, एक सेकंड, दैट इज 4, है ना। तो f4 भी 4 ही आ रहा है। अच्छा f-1 क्या आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तो पेपर में कोई पूछेगा तो तुम्हें जितना छोटी जगह पे लिख सकते हो उतना छोटे में लिखो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें सजा सजा के लिखने की, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉपियों को सजाते हैं। अरे यार कॉपी को सजाना बहुत अच्छी बात है, पर पेपर में थोड़ा सजाओगे कोई बैठ के, तो फिलहाल अगर उसके अंदर -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -1 डाल दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, राइट। -1 का मॉड 1 होता है, ठीक है, 1 + ये हो जाएगा -5, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा f के अंदर अगर मैं 5 डाल दूँ क्या आएगा, 5 डाल देंगे तो क्या आएगा, x-1 के अंदर 5 डालोगे तो आएगा 4, 4 एक से यहाँ नहीं यहाँ पे, तो अगर 5 डाल देंगे तो ये तो 5 ही हो गया और ये क्या हो गया, 1। तो ये इसका आंसर भी इत्तेफाक से 6 आ गया। ये इत्तेफाक से हो रहा है, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि हर बार आंसर सेम सेम से आ जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो अच्छी बात है, हमारा लक है कि यार हर बार सेम सेम से आ जा रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन बच जा रही है, राइट। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मैं छोटे छोटे तो बना ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सीधे बोल रहा हूँ 2, ये हो गया 4, ठीक है, और ये है तुम्हारा 6, ठीक है। अब बताओ मेरे को, तो तुम्हारा आंसर 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे मेरा आंसर 4 आ रहा है, 4 पे तुम्हारा आंसर क्या रहा है, 4 पे आंसर अपना 4 ही आ रहा है, f4 पे 4 आ रहा है, f5 पे क्या आ रहा है, 5 पे 6 आ रहा है,
माइनस वन पे आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, बस बन गया तुम्हारा ग्राफ। बोर्ड बोर्ड जैसा ग्राफ है बेसिकली देखा जाए तो, ऐसे ऐसे और ये लंबा खींच देते सीधे सीधे, बस खत्म, दिस इज द ग्राफ। छुट्टी, आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी सोचा होगा इन ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो अभी मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्वेश्चन एक्चुअल में बनते हैं, तो वो तुम हंसोगे देख के कि अरे ये चुल्लू भर बनता है। ठीक है, फिलहाल अभी ये देखते हैं। तो अब उसने बोला एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस फाइव। यार अब मैं तुमसे बोलूंगा कि अब तुम खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है? तो चलो बनाते हैं फिर। अगर उसने तुमने बनाया होगा और तुमसे बन भी गया होगा, तुम बस चेक करो कि कैसे हम लोगों ने किया। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5 है। तो 5 से कोई एक बड़ा देख लो 6, और 1 से एक छोटा देख लो 0। तो एफ 0 बोलो, जल्दी से बोलो, है ना? मैं तो पता है इतना समझाने के लिए तुम्हें इतना बता रहा हूँ, वरना अगर अपने पे आ जाए ना, अगर अपन एकदम जल्दी जल्दी वाले में, तो इसको और बहुत जल्दी जल्दी किया जा सकता है। खुद सोचो ना, इतना लिखना पड़ा, वो भी मैं लिख के से रहा हूँ, मैं स्टाइलस से लिख रहा हूँ। जब तुम अपने हाथों से पेन से लिखोगे तो तुम और स्पीड में लिखते चले जाओगे। खैर, एफ जीरो, तो एफ जीरो क्या होगा, एफ जीरो जाएगा 1 प्लस 5, राइट, 6। फिर एफ वन क्या होगा, तो एफ वन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। अच्छा, तो एफ फाइव क्या होगा, एफ फाइव हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, एफ सिक्स क्या हो जाएगा, तो एफ सिक्स जो हो है, एफ सिक्स हो जाएगा 6 माइनस 1 = 5, 5 + 1 = 6। अरे यार, फिर से वही ग्राफ बन जाएगा जो अभी हम लोगों ने बनाया था, उसी टाइप का ग्राफ बन जाएगा। हटाओ इसको, ये तो सेम सा बन गया, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो गई होगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या है, अपने पास है एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, मैं सीधे लगा दे रहा हूँ, क्या फालतू बकवास कर रहा हूँ मैं भी। तो एफ वन, एफ थ्री, एफ पाँच, आई होप तो तुम समझ गए होगे। अब वन से छोटा एक ले लो, बस इतना मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो कि वन से छोटा एक ले लो मेरे लिए। तो तुमने ले लिया एफ जीरो, और पाँच से कोई बड़ा ले लो तो एफ सिक्स ले लो, है ना? बस डरना थोड़ा ना होता है, जैसी लंबाई बढ़ती है ना, बच्चा डरने लगता है कि अरे ये तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम जीरो डाल दो इस पूरे में, जीरो डाल दो, तो जीरो माइनस वन एस माइनस वन, माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन प्लस, फिर यहाँ पे जीरो डालोगे तो क्या आएगा, थ्री। तो 1 + 3 + 5, राइट। अच्छा, अगर वन डालेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 जीरो, 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा तुम्हारे पास 2। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 4। अच्छा, अब 3 डाल दो इसके अंदर तो आएगा 2 प्लस, है ना, 2 प्लस, इधर से क्या आएगा, इधर से जब तुम 3 डालोगे तो आएगा 1 0, और इधर से जब डालोगे तो क्या जाएगा 2। फिर इसके अंदर 5 डाल दो, 5 डाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 5 डालोगे तो आएगा 2, यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, राइट। अब इसके अंदर अगर 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा +1। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 9। अगर आप तुम इसका जल्दी से ग्राफ बनाना है, एकदम जल्दी वाला, तो कैसे बनाएंगे, फटाफट वाला। हाँ भाई, तो ये तुम्हारे पास है 0, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 6, ठीक है। अब 0 पे क्या आंसर आ रहा है, अगर 0 पे आ रहा है मान लो, एक ठीक, तो एफ 0 पे आंसर हो जाएगा 9, और एफ 1 पे आंसर हो जाएगा 6, एफ 3 पे हो जाएगा 4, ठीक है, एफ 5 पे आंसर हो जाएगा फिर से 6, और एफ 6 पे आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो फिर से क्या बन गया, बोर्ड ग्राफ बन गया। एक सेकंड, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, मतलब इसका रियल ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे करके, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, और फिर ये, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो बोर्ड ग्राफ कहते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पता है किस टाइप का बनेगा, क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा कि अगर मैं तुमसे ये बोल दूँ, इसके आगे लगा दूँ मान लो इक्वल्स टू मान लो लगा दिया मैंने 7, तो इक्वल्स टू 7 का मतलब पता क्या है, ये क्या बन गया, इक्वल्स टू 7 क्या होता है, मतलब वाई इक्वल्स टू 7। नाउ व्हाट इज वाई इक्वल्स टू 7, अगर यहाँ पे 7 लगा दें तो वाई इक्वल्स टू 7, तो लाइन कुछ ऐसी होगी, दिस इज वाई इक्वल्स टू 7। तो ये कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करा, दो जगह पर इंटरसेक्ट करा। तो वो बस ये पूछता है, आईआईटी क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन से ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, अगर वो बोल देगा इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तुम ये तक बता सकते हो कि ये वाला सॉल्यूशन जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, और ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये 5 से 6 के बीच में होगा। एक और क्वेश्चन जो वो पूछता है, वो पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस ग्राफ की, डेफिनेटली 4 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इनफाइनाइट, कोई बात ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू पूछता है हमेशा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इस ग्राफ की, इसकी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, छुट्टी। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो ग्राफ, सिंपल ग्राफ, वो क्या बोलेगा इसकी रेंज बता दो, क्या बोलोगे तुम, 4 से इनफाइनाइट, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें भी मैं करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -3/4, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 4/3। तो एफ के अंदर -3/4, ठीक है, फिर एफ के अंदर 4/3, फिर एफ के अंदर इससे कुछ बड़ा 4/3 क्या होता है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हमने एफ के अंदर 2 डाल दिया। फिर -3/4 क्या होता है, -3/4 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, तो मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया, तो एफ के अंदर -1 डाल दिया, और ये और ये और ये, ठीक है। वैसे प्लॉट कर देंगे क्या, इसमें -3/4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -3/4, पहला वाला तो 0 हो जाएगा, है ना, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जाएगा माइनस मॉड के अंदर -3/4, तो 3 - -3/4 -4, इसका मॉड बोला है हमसे, बस ये कैलकुलेटिव हो गया ये वाला, क्योंकि फ्रैक्शनल में चीज़ें दे रखी हैं। तो ये हो जाएगा -9/4, -9/4, -4 यानी कि 4 × 4 = 16, 16 यानी कि 25, -25/4 ये आ रहा है, इसका मॉड क्या खोलेगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो 25/4, और उसके आगे लगा हुआ होगा नेगेटिव, तो -25/4 इज द आंसर। तो इसका क्या आ रहा है, -25/4,
-25/4। अब 4/3 डालोगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 + 3, दिस इज इक्वल्स टू 25/3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 25/3, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो वो देख लेना। तो फिलहाल ये हो गया। अच्छा अगर इसके अंदर 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अगर इसके अंदर 2 डाल दोगे क्या हो जाएगा, 8 + 3, 8 + 3 क्या होता है, 3 + 3 हो गया 11, और 11 माइनस, और फिर ये हो जाएगा 6 - 4 = 2, तो फिर 6 - 2 यानी कि 9 आ जाएगा आंसर। अब अगर इसमें -1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा -4 + 3 यानी कि -1, -1 का मॉड हो गया 1। फिर -1 डाल देंगे तो फिर से हो जाएगा -3 - 4 - 7, -7 का मॉड हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो गया -6। बस अब इसका प्लॉट कर लो, तो प्लॉट कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका -1 डालना है, -1 है, ये है -3/4, ये 0 है, ये हो गया 4/3, और ये हो गया कुछ 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, तो अगर ये 9 है, अगर ये 9 है और मान लो ये है कहीं पे 25/3, ठीक है, ये है कहीं पे -25/4, ठीक है, और ये कहीं पर है -6, तो इसकी ग्राफ काफ़ी अलग टाइप का बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 4/3 जो है, 4/3 पे इसका आंसर क्या है, 25/3, 2 पे इसका आंसर है, 2 पे इसका आंसर है 9, ठीक है। अच्छा, और फिर -3/4 पे इसका आंसर क्या है, तो -3/4 जो है उस पे इसका आंसर है -25/4 यानी कि ये। फिर क्या होगा, फिर 2 पे, सॉरी -1 पे, -1 पे जो उसका ग्राफ है वो है -6, यानी कि कुछ इस टाइप से ग्राफ है। तो कोई बोलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, तो ये ना एक्चुअली इसलिए बोलते हैं कि स्केलिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो -1 थोड़ा दूर बनेगा, मतलब थोड़ा ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा ये। तो फिर से यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, किसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब तो मुझे अपने लॉजिक से बताओ इसमें क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम। अब इधर भी इन्फिनिट से जाएगा, इधर भी इन्फिनिट से जाएगा, है ना। अगर तुम इसको ज्वाइन कर दोगे तो ऐसे करके, और इसको अगर मैं थोड़ा सा दूर बनाऊँ, ऐसे करके बना लेते हैं, चलो 2 को थोड़ा तुम दूर ले लो, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बन गया। अच्छा, -1 को भी थोड़ा सा दूर ले लो तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना, इसकी मिनिमम मैंने मैक्सिमम वैल्यू तो एक्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इनफाइनाइट ही, तो मतलब आर हो जाएगी इसकी रेंज बेसिकली। और अगर वो बोलेगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो कहीं पर भी कोई भी, अगर मानो किसने बोल दिया इक्वल्स टू 5, तो इक्वल्स टू 5 का मतलब नहीं है, हमेशा सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 1 होगा, ठीक है। तो आई होप सो इतनी बेसिक लेवल की चीज़ तुम कर सकते हो, और इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। उसने आज तक सिर्फ ये पूछा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है, या फिर वो ये पूछ लेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, बस ये पूछा उसने, एडवांस नहीं पूछा। मैं तो पूछता ही नहीं इसके बारे में, ग्राफ बनाना आता ही नहीं, वो समझता है बच्चों को आते नहीं भाई सब। अब यार ये वाला खुद बना लेना, ये तुम्हारा सब बन ही जाएगा, ठीक है। तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वो तुम बना सकते हो अपने आप, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पर बात करेंगे, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़े हैं वो काफ़ी बेसिक हैं, ठीक है ना। तो वो कई लोग सिंपल अप्रोच से भी बना लेते हैं, सिंपल वाली कौन सी, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाई थी ना उससे, पर ये जो ग्राफ हैं यहाँ अच्छे खासों की काम तमाम हो जाते हैं। तो फिलहाल ये वाला तो फिर भी सिंपल है, ये मेजर अट्रैक्शन है मेरे, ये मेरे अट्रैक्शन है मेजर, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी ट्रिक का एकदम कहते ना एकदम बिल्कुल सपुत्र, एकदम बिल्कुल मज़ेदार वाली चीज़ है एकदम। चलो खैर, पहले तो ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे अपना, तो इसमें नया क्या है, 2, और इसका क्या है, -1 है, है ना। तो पहले मुझे बताओ F2 क्या होगा, और फिर मुझे बताओ F-1 क्या होगा, फिर F2 से थोड़ा बड़ा बोल लो तो F3 बता देना मेरे को, ठीक है, मतलब F2-1 है ना। फिर अब इसके -1 से छोटा बताओ, -1 से छोटा -2 ले लेना, है ना। अब बताओ F2 क्या होगा, तो F2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा 2 पे, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा, F-1 क्या होगा, तो F-1 - 3, तो F-1 आ रहा है 1+, तो F-1 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, F-2 क्या होगा, तो F-2 तुम्हारा -2 - 2 4, और ये 4 और ये 2, तो इसका आंसर आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है। F-3 क्या होगा, F-3, तो F-3 जब तुम डालोगे तो 1+, अच्छा तो ये तो 9 आ गया, ठीक है। तो बस अब इसका प्लॉट कर लो, तो प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा, मैं रफ में बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तुम पेपर में सॉल्व करोगे तो तुम कोई मतलब स्केल वेल लेकर तो जाओगे नहीं, तुम ही रफ ही बनाओगे मेरी तरह ही। तो इनकी आदत डालो रफ बनाने की, ज़्यादा तुम फालतू में स्केल वेल में बनाओ। अभी मैं इनके तो मैं फेयर वाला बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया ग्राफ्स हैं इसलिए, है ना। तो ये -2 - 1, और ये रहा 2, ठीक है, और ये रहा 3, और ये बना लेते हैं तो क्या आएगा, मान लो ये है 3, ये है 6, और ये है 9, ठीक है। अब 2 पे क्या आंसर आ रहा है, तो 2 पे आंसर आ रहा है उसका 6, ठीक है। -1 पे क्या आंसर आ रहा है, -1 पे उसका आंसर आ रहा है 3, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर -2 पे उसका आंसर फिर से क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, मैंने कहा अच्छा। और 3 पे उसका आंसर क्या हो रहा है, 9 हो जा रहा है। तो मेरे को कुछ चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ से देख के, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है ना, जिस टाइप से आ रहा है, और ये तो पूरा इन्फिनिट तक चला जाएगा, और फिर सिमिलरली ये जो है ये भी पूरा टाइम इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है इसका, ये तुम्हारा इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं था, मैं वो कह रहा हूँ क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, मतलब सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। अब
मुझे पता है तुम्हारा दिमाग स्टार्टिंग से इन दोनों क्वेश्चंस में अटका हुआ था और हम इन दोनों क्वेश्चंस में आ चुके हैं, और अब तुम मुझे खुद बताओगे कि मैं क्या करूँगा इसमें। बोलो इस वाले क्वेश्चन का, बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टू। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, थ्री। अब तुम्हें पता है इसमें अटक रहे होगे तुम, तो यार तुम्हें पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालना है ना, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के। तो क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाले को तो तुम जीरो कर दो, सीधी सी बात है। तो एक्स माइनस थ्री माइनस फोर मॉड एक्स, इसको जीरो कर दो और क्या, राइट है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू फोर मॉड एक्स। बोलो बिल्कुल क्लियर एकदम, है ना, आई होप से समझ में आ गया होगा ये। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या कर सकते हो, मतलब अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ मॉड है तो मॉड हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस माइनस के साथ। बोलो क्लियर। तो अगर तुमने प्लस ले लिया तो क्या आएगा, अगर तुमने प्लस ले लिया तो क्या आएगा, प्लस लेते ही तुम्हारे पास आ जाएगा थ्री एक्स, तो माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री एक्स। तो x क्या आएगा, x आएगा माइनस वन के बराबर, ठीक है। अगर तुमने माइनस ले लिया तो क्या आएगा, माइनस लेते तुम्हारे पास क्या आएगा, x माइनस थ्री माइनस फोर एक्स, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स। तो अगर इधर ले जाएं तो फाइव एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो x क्या आ रहा है, यहाँ से x क्या आ रहा है, थ्री बाय फाइव। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस वाले के, ठीक है। तो x तो क्या रहा है, x इक्वल्स टू, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से मैं जल्दी से, x इक्वल्स टू माइनस वन और थ्री बाय फाइव, x इक्वल्स टू माइनस वन और थ्री बाय फाइव, माइनस वन और थ्री बाय फाइव। और इसके क्या आया था, इसका तो तुम्हारे पास सिंपल सा थ्री आ गया था। अब मेरे साथ तुम फेयर ग्राफ एकदम प्लॉट करना, ठीक है, और फिर तुम खुद कहोगे यार इसमें तो लिटरली मज़ा आ रहा है मेरे को, तो तुम सोच रहे हो क्या किया क्या, यार मज़े कर रहे हैं, मतलब कसम से मज़ा आ रहा है इसमें तो। हाँ भाई बोलिए क्या क्या तुम्हारे पास है, तो जीरो है मेरे पास एक, तो एक मेरे पास टू है, मेरे पास थ्री है, और एक थ्री बाय फाइव है, वो कहीं यहीं यहाँ पर आएगा कहीं पर, और माइनस वन कहीं पर यहाँ पर आएगा, राइट। पर हमने इसकी वैल्यूज तो निकाली नहीं, तो भाई वैल्यूज तो निकाल लें। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू टू पे क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पे क्या होगी, थ्री बाय फाइव पे क्या होगी, और थ्री पर क्या होगी। और ऐसा करो एक एक वाले तो तुम्हें इसके आगे की भी लेनी पड़ेगी, तो एक चलो यहाँ पे माइनस टू ले लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस टू ले लेते हैं, और यहाँ पे एक फोर ले लेते हैं। तो माइनस टू पे पता वैल्यू क्या होगी इसकी, और चार पे क्या वैल्यू होगी। तो बस ये क्वेश्चन लेंदी जब बनता है ना, तो इसके हिसाब से बनता है कि तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ इसका ऑफिशियल क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया बैठ के भी, ये जो एच क्वेश्चन है, तो इसकी इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द मिनिमम मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। सोचो अगर किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता होगा तो वो इसका डोमेन और रेंज निकाल के करेगा, क्या दिमाग खराब हो जाएगा उसका डोमेन रेंज निकालते निकालते। खैर हम तो समझते हैं मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमारा पास तो यही है, इसका ग्राफ बना लेंगे और फिर देख लेंगे क्या मिनिमा क्या मैक्सिमा। चलो भाई एफ चार बताइए सब, बोलिए एफ चार पे क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा चार प्लस, मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको। तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है ना, तो इनको लिखने में मतलब लगभग एक दो मिनट तो मैं लग जाएगा, क्योंकि और एक और दिक्कत भी है ना, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है ये मैंने खुद बनाया है, जिससे इसमें बहुत टाइम लग रहा है, पर जो आईआईटी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। तो फिलहाल तो इसको कैलकुलेट कर लेना, तो कितना आएगा ये, समथिंग नेगेटिव आएगा, कुछ नेगेटिव में आएगा, राइट। तो फिलहाल अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, तो फिर हमें बोला है कि जीरो पे आंसर क्या आ रहा है, 20, तो अगर मैं 20 इसको यहाँ मान लेते 20 को, ठीक है, तो 20 ये आ रहा है। फिर 3 बाय 5 पे कुछ नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, अच्छा 2 पे क्या आ रहा है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है साहब 14, तो 14 में भी समवेयर है, राइट, तो ये इसको हमने 14 मान लिया, ओके, अच्छा, तो ये हमारा हो गया। फिर हमसे बोला गया कि माइनस वन पे 31 है, माइनस वन पे 25 है, तो ये ले लेते हैं 25, ठीक है, ये ले लेते हैं 26, तो 26 किस पे आ रहा है, 4 पे, तो 4 पे 26 आ रहा है, ऑल राइट। तो भैया माइनस वन पे आ रहा था 25, और इसको थोड़ा बहुत प्लॉट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, वरना ना कन्फ्यूजन हो सकती है तुमको। अच्छा 3 पे कितना था, तो 3 पे आ रहा है 16 समवेयर हेयर, राइट, तो ऐसे, फिर ये रहा ऐसे, अब ये तो ऐसे जाएगा सीधे सीधे, अच्छा फिर तुम्हारा 3 पे सिंपल सा 16 था, तो ये भी हो गया हमारा 3 भी हो गया, और हमने 4 का भी यूज़ कर लिया इसमें 26 के साथ, ठीक है, अच्छा, और माइनस 1 का भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये रहा माइनस 1, उसके बाद माइनस 2, तो माइनस 2 पे आंसर आ रहा है 34 विल बी समवेयर है, राइट, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने इसको 34 बोल दिया, तो कुछ ऐसे करके लाइन बनेगी। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन चुका है इस बंदे का, ठीक है, अच्छा अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 14 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि उसने पूछा था कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम क्या है इसका, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो वो तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है, मिनिमम क्या है इसका 14, राइट, तो 14 इज द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन खुद करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद करो, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया उसमें तो ये सब बहुत लंबा पड़ गया वो, तो पर जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, है ना, ट्राई करो इसको, हो गया, आई होप सो हो गया होगा। तो क्या करा तुमने, इसका इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, जीरो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, माइनस टू। इसका क्या आया था, इसका क्या आया था, इसका आया होगा कुछ इस टाइप से, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टू मॉड एक्स, राइट। फिर इसको सॉल्व कर लिया होगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एक्स, राइट।
फिर जब तुमने प्लस लिया होगा तो इट विल बी लाइक दिस, है ना, तो x इक्वल्स टू टू आ गया होगा। फिर जब तुमने माइनस लिया होगा माइनस, तो क्या हुआ होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, माइनस टू एक्स लेते हुए ये हो जाएगा 3x, तो 3x इक्वल्स टू टू, तो x आ गया होगा क्या, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, राइट। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने मे बी शायद ये क्या होगा कि तुमने f ज़ीरो निकाला होगा, है ना, फिर तुमने f माइनस टू निकाला होगा, राइट, फिर तुमने निकाला होगा f टू और फिर f टू बाय थ्री, राइट। आई थिंक सो तुमने यही किया होगा। जब तुम इसमें f ज़ीरो निकालोगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो प्लस टू माइनस में, अगर इसमें ज़ीरो डाल देंगे तो क्या आएगा, टू, और हाँ बस टू ही आएगा, ठीक है, तो टू माइनस टू, तो इसका आंसर तो ज़ीरो ही आ रहा है ना, तो ज़ीरो पे ग्राफ ज़ीरो पे है। फिर माइनस टू, तो माइनस टू डालते क्या आएगा, तो माइनस टू डालते ये क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। फिर यहाँ पे जब माइनस टू डालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ जब माइनस टू डालोगे तो ये जीरो हो गया, और ये हो जाएगा माइनस टू का मॉड, यानी कि टू टू फोर माइनस फोर, यहाँ तो फोर हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा एट। आई होप सो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी। एक सेकेंड, माइनस टू पे आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, अच्छा ये पर माइनस भी तो है, तो इसका आंसर आ रहा है ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो पर भी एफ ज़ीरो पे ज़ीरो है, एफ माइनस टू पे भी ज़ीरो है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो और क्या कर सकते हैं, तो अब एक सेकेंड, ये माइनस टू बाई थ्री था, ठीक है। अच्छा अब टू पे निकालो, तो टू पे वैल्यू क्या आ रही है, टू पे इसकी वैल्यू आ रही है, निकालते हैं चलो जल्दी से, ये फोर और ये हो रहा है फिर से फोर, अच्छा तो फोर प्लस फोर एट हो गया। अब एट माइनस दिस, तो ये क्या हो रहा है फोर, अच्छा तो इसका आंसर तो एट आ रहा है, राइट, तो टू पे इसकी वैल्यू हो रही है एट। अब माइनस टू बाई थ्री पे देखते हैं, तो माइनस टू बाई थ्री पे जब तुमने इसमें डाला होगा तो हो जाएगा फोर बाई थ्री, इधर डालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री, फिर इधर डालेंगे तो माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री प्लस, यहाँ तो सिक्स बाई थ्री, ठीक है, तो इसका आंसर आता है एट बाई थ्री, वेरी गुड। तो हमारे पास अब इन सब की वैल्यूज निकल चुकी हैं। इतने बेसिस पे हम लोग अपना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट है। तो भाई हमारे पास ग्राफ किस टाइप का आएगा, कुछ जीरो पे बना लेते हैं, जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही आ रही है, और यहाँ पे होगा माइनस टू बाई थ्री, राइट है, ये होगा हमारे पास माइनस टू, और यहीं पे ही होगा टू, कोई डाउट इसमें, है ना। फिर बस इतने हमारे पास यही चार क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो जीरो पे जीरो है, माइनस टू पर भी जीरो है, और एट बाई थ्री इतना होता है, एट बाई थ्री समथिंग लाइक टू पॉइंट समथिंग हो रहा है, राइट, तो अगर इसको मैं टू मान लूँ, अगर इसको मैं टू मान लूँ तो एट एट बाई थ्री कुछ यहाँ पे होगा, राइट, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा होगा एट बाई थ्री, राइट, तो ये होगा एट बाई थ्री, चलो ठीक है। टू पे आंसर क्या आ रहा है, तो टू पे कोई बहुत आगे का इसको ले जाए तो कुछ एट आ रहा होगा, कहीं पर एट होगा, राइट, तो और इसको थोड़ा अच्छे से बनाए, तो मान लो यहाँ पे हमारा एट है, तो टू की वैल्यू क्या आ रही होगी, एट हो रही होगी, है ना, आई होप सो ये बात समझ में आ रही है हमको, तो इतना तो समझ में आ गया। फिर और क्या बोल सकते हैं, फिर अब माइनस टू पे क्या आंसर था, जीरो था, मैं तो कह रहा हूँ इसके आगे एक वैल्यू और लेकर ले देखते हैं, उससे हमें एक हिंट मिल जाएगा, राइट है, है ना, यही तो हम कर रहे हैं इतने टाइम से, माइनस थ्री और इधर क्या लेते हैं थ्री ले लेंगे, तो भाई बता लो जल्दी से, बताओ जल्दी से कि f माइनस टू क्या आएगा, तो f माइनस टू की वैल्यू आएगी जल्दी से, अच्छा f माइनस टू नहीं, f माइनस थ्री और f थ्री डाल के देखो जल्दी से, तो माइनस थ्री डालेंगे तो क्या आएगा सिक्स, यहाँ से आएगा सिक्स, और सिक्स प्लस फिर यहाँ डालेंगे माइनस थ्री तो आएगा वन, फिर माइनस में अभी इसमें डालते हैं, तो माइनस थ्री प्लस टू डेट इज माइनस वन, डेट इज़ वन, ठीक है, तो वन माइनस, फिर डेट सिक्स तो माइनस फाइव, तो डेट इज़ फाइव, ठीक है, तो फाइव ने इसको काट के वन कर दिया, तो टू आ रहा है बेसिकली टू, तो माइनस थ्री पे आंसर आ रहा है टू, टू इस समवेयर है, तो ये आ रही है। अच्छा पहले थोड़ा बहुत तो प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम में कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि क्या हम कर रहे हैं, मतलब क्या क्या प्लॉट कर लिया इतने टाइम में, तो भाई साहब इसका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से आ रहा है, ये था, फिर ये था, और अभी हम लोगों ने टू पे हाल ही में प्लॉट किया है, और ये हमारा ऐसे, ठीक है। अच्छा अच्छा अब ये इसको तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं इसके आगे, तो ये तब कैसे जाएगा, इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब थ्री पे निकालो जल्दी से आंसर, तो थ्री पे क्या आएगा, एक सेकंड, तुमने थ्री पे टू निकाला था, राइट, तो अगर थ्री पे टू निकाला था, हाँ मैंने माइनस थ्री पे निकाला था, सॉरी, ठीक है, तो अब थ्री पे निकाल देते हैं, तो थ्री पे क्या आएगा, थ्री पे आएगा थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है, फिर इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा प्लस फाइव, प्लस फाइव, फिर क्या होगा माइनस में, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस सिक्स दैट इज़ वन, तो माइनस वन, सो आंसर इज समथिंग लाइक टेन, ठीक है, टेन, यानी कि इसके भी ऊपर टेन, तो इसके भी ऊपर निकलेगा कहीं पे टेन, तो वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कहाँ पे ये ऐसा जाएगा, ऐसे करके, क्यों ऐसा क्यों जाएगा, क्योंकि थ्री पे आंसर क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा जाएगा, बोलो क्या ये ग्राफ क्लियर हो पाया तुमको, बिल्कुल।
अब उसने पता है क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने बोला था कि मिनिमम वैल्यू बता दे बस मेरे को, इतना सा क्वेश्चन था, उसने बोला था मिनिमम वैल्यू बता दे। अब तुम मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होगी, है ना। देखो जीरो जीरो है इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे देखो है ना जीरो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, जीरो छुट्टी, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर उसे और टफ बनाना होता, पहले तो उसने ऑलरेडी उसको बस कॉम्प्लेक्स बना दिया है, पर हमने इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया इससे पहले, ठीक है। माना उसको यहाँ पे लिख दे इक्वल टू के, ऐसे लिख दे, ये पूरी क्वेश्चन दे दे और बोल दे इज इक्वल टू के। और फिर पता तुमसे क्या पूछे, बहुत ही इंसानियत से परे वाली चीज़ पूछेगा तुमसे, अब वो तुमसे पूछेगा कि फाइंड के, फाइंड के, फाइंड के सच दैट दिस इक्वेजन हैव फोर रूट्स। कितने रूट्स हैं तुम्हारे पास, फोर रूट्स हैं। तो अब मैंने सोचा यार ऐसा कब पॉसिबल, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है, ठीक है, ये वाला जो उसने जो एडवांस में, एक्चुअली एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तुमने देखा कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिल्कुल बच्चे वाले तरीकों से, पर ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना गया था जब ये आया था उस टाइम पे फिलहाल, तो 2013 के एडवांस में आया था, और उसमें उसने सिंपल ये पूछा था कि बताया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और तुमने सीधे बोल दिया होगा जीरो होगी, सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था उसने। पर ऑब्वियसली बात है कि जिन लोगों को ये मेथड नहीं आता होगा उनका तो दिमाग खराब हो गया, वो भाई साहब जब उन्होंने पूरा इसको सोच के देखो तो इन्होंने पूरा डिफाइन किया होगा, इसको सोच के देखो इसको डिफाइन करने में क्या हालत खस्ता होगी तुम्हारी, इसको डिफाइन करने में। फिलहाल अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इससे एक अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन बन सकता है, तो उसने बोला ऐसा क्या बताओ जिसके लिए जो तुम्हारे सामने इक्वेशन दे रखी है, ये सामने जो तुम्हारे सामने इक्वेशन दे रखी है इसके चार रूट्स हों। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा एक बात सुनो, मैंने कहा एक बात सुन मेरी। तो उन्हें बोला बता भाई क्या बात बोलना चाह रहे हो आप। तो मैंने बोला अगर मैं मेरा जो के है, अगर वो जो मेरा के है वो इसमें से कहीं पर हो, मतलब क्या होता है देखो, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो अगर के तुम्हारा ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक दो तीन और चार, राइट। यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे कट जाए, यहाँ पर कट जाए, तो तुम्हारा के जो है अगर वो 8/3 से लेकर 0 से बीच में होगा तो उसके चार सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। तो के की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से लेकर 8/3, पर दोनों पे ओपन होगा, क्योंकि अगर तुमने अगर अब एक और क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैव एग्जैक्टली कितने रूट, थ्री रूट्स। तो ऐसा कब कब हो रहा है, तीन रूट्स कब आ रहे हैं इसके, तो यार तीन रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, देखो एग्जैक्टली अगर तुम्हें देखना है तीन रूट्स, तो ये आ रहे हैं तीन रूट्स, ये ऐसे, राइट। तो ये यहाँ पे उसने तीन बार इंटरसेक्ट किया, तो ये कौन सा पॉइंट, ये एग्जैक्टली है भाई साहब के इक्वल्स टू 8/3 पर इसके एग्जैक्टली तीन रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम ये बात। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर उसने बोला एग्जैक्टली थ्री रूट्स होंगे तो के की क्या वैल्यू हो जाएगी, 8/3। फिर उसने बोला एग्जैक्टली टू रूट्स। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है, इतना तो तुम भी अपने लॉजिक से बता सकते हो। तो अगर इसके एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे, तो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाए यहाँ पर, है ना, या फिर वो इंटरसेक्ट कर जाए बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर, कहाँ पर, मतलब एक्स एक्सिस बेसिकली, तो एक्स एक्सिस पे भी तो दो बार ही कर रहा है बेसिकली, ये यहाँ पर ऐसे, है ना, दो ही तो इंटरसेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटीज़, या तो 8/3 से ऊपर, या तो जो तुम्हारा के है या तो वो सीधे सीधे जीरो के बराबर हो जाए, या फिर जो तुम्हारा के है वो 8/3 से बड़ा रहे, ठीक है। तो तुम्हारा इसका कंबाइंड हो गया, क्या तुम बोल सकते हो कि के बिलोंग्स टू 8/3 से इन्फाइनाइट, ठीक है, यूनियन जीरो भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा इस वाले बंदे का, एग्जैक्टली टू रूट्स का। और जब तुम अभी वो पढ़ोगे ना कैलकुलस, जब तुम पढ़ोगे तो कैलकुलस में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। वो तुम्हें डेफिनेटली अभी नहीं आती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या मतलब है इसका। कोई भी चीज़ होती है कि हमें नहीं पता क्या होती है, बस हमें इतना पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है ना, जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो अगर कभी भी तुम नोक देख लो किसी भी ग्राफ में, अगर तुम इस टाइप से नोक देख लो, नोक, तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। तो अभी तो मुझे पता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बस तुम मुझे इतना बता दो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये रहा चौथा पॉइंट। तो इसमें ऐसे चार पॉइंट्स हैं, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे समझ लो क्या डिफरेंशिएबल मतलब कि कोने, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना सुंदर सा इसका ग्राफ बन गया, ठीक है, चलो मजा आया इसको करने में। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मुझे तो ये बहुत सिंपल लगा क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, बिल्कुल इससे कितना गुना ज़्यादा टफ था वो, राइट। मैंने बोला था ना कि एडवांस वाले बंदे जो तुम्हें कैलकुलेशन करने के लिए देंगे वो काफ़ी सिंपल होगी, जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो मैंने यार अपने आप बना के दिया था, इसलिए उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लग गई थी, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। तो हम लोगों ने लगभग हर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स में कंप्लीट किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, मतलब मुझे समझाने में टाइम लगा है, अगर तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हें और भी कम टाइम लगेगा देखा जाए तो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि कई लोग जब मेरे पास, जब मैंने पहली बार सोचा ये चीज़, तो ये क्वेश्चन लोगों को लगता है कि ये ट्रिक नहीं है, तो कई लोगों को लगता है यार यहाँ तो ट्रिक फेल हो गई क्योंकि ये तो क्वालिटी आ गया यहाँ पे। तो यहीं तो भाई से ट्रिक का मेन मज़ा है, यहीं तो तुम निकलने वाले हो, ये इतना सुंदर ग्राफ बनता है ना, इसका बड़ा मज़ा आता है इसको करने में।
तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बता मेरे को, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा जीरो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो लिख दिया, जो अंदर है उसको जीरो करना है बस, वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, राइट। बोलो तो एफ की वैल्यू निकाल जीरो पे, एफ की वैल्यू निकाल वन पे, और एफ की वैल्यू निकाल माइनस वन पे। निकालना जल्दी से निकालो, जीरो पे क्या आंसर आएगा वन, ठीक। अच्छा वन पे क्या आंसर आएगा, तो इसमें वन डाल दो, तो वन प्लस जीरो तो वन ही आएगा इसमें आंसर, और माइनस वन पे भी क्या आंसर आएगा, वन ही आएगा। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तीनों पे आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, वो तो चलो सही होगी बात। पर ये जो है, ये है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें मॉड के अंदर क्या था, कोई लीनियर था, पर यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, राइट। तो अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि कैसी मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसको जल्दी से इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, है ना, ये तो केस बनता है। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। और अगर जो एक्स है वो लेस देन जीरो हो गया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कोई बोलेगा ये कैसे बोल दिया तुमने, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी, सॉरी सॉरी एक सेकेंड। तो अगर ये वन है और ये वन है, क्योंकि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो प्लस वन प्लस माइनस वन है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं तुम समझाता हूँ। अगर तुम ऐसे ना देख करके इसको ऐसे समझो कि अगर ये खुलेगा, अगर ये खुलेगा तो ये किस तरीके से बन सकता है, हमारा जो एफ एक्स है वो किस तरीके से बन सकता है, ऐसे ही तो बनेगा। एक क्वाड्रेटिक ऐसी बन सकती है, ठीक है, दूसरी क्वाड्रेटिक ये बन सकती है, कि अगर तुम इसमें माइनस ले लो तो दूसरी क्वाड्रेटिक ऐसे बन जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप्स। बोलो ऐसी तो बनेगी। तो अब मुझे बता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा इस टाइप का ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो इसके आगे क्या है, नेगेटिव है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर रेडी हो इस ग्राफ को बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर ग्राफ बनेगा इसका। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। ये क्वेश्चन इसने कहीं पर भी नहीं पूछा, ये मैंने खुद ढूंढा है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें वैसे नहीं है, तो किसी आई आई टी वाई टी में नहीं आया हुआ ये, तो अगर उसने पूछ लिया तो तुम तैयार हो। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, वन जीरो और माइनस वन, राइट। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अगर मैं इसका जल्दी से वेवी का सोचूं, जल्दी से वेवी का सोचना है इसका क्या आएगा, यहाँ पर लिख दो माइनस वन, यहाँ लिख दो वन, तो प्लस माइनस प्लस। तो ये नेगेटिव कब हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ये माइनस वन से वन के बीच में। नेगेटिव मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये वाला फंक्शन कब होगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा, माइनस वन के वन के बीच में। पहले तो हम ये मान लेते हैं वन, ये मेरा वन है, तो यहाँ पर भी आंसर वन है, ठीक है, और माइनस वन भी आंसर वन है। और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा माइनस वन से वन के बीच में। तो एक जो बंदा बोला उसने मुझसे बोला कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा कौन सा वाला, अगर ये माइनस वन है और ये वन है। मैंने कहा एक बात सुन, बीच में जीरो पड़ेगा तो जीरो पे तो आंसर, अगर देखो ये तुम्हारा वन था ना, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो, अगर एक बंदे ने मुझसे क्या बोला, उसने बोला कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बताओ ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जीरो पे तुम्हारे ग्राफ की वैल्यू क्या है, जीरो पे तुम्हारा जो ग्राफ है उसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो ऐसा ग्राफ तो नहीं बनेगा। तो हमने फिर और सोचा कि यार फिर कैसा ग्राफ बनेगा, तो फिर जो दूसरा बंदा आया उसने ऐसा बोला कि देखो भाई माइनस वन जीरो और वन, ठीक है, ये क्या है, ये है वन, ठीक है, वन वन वन। देखो ग्राफ तो हमें ऐसे ही बनाना है, तो क्यों ना हम ऐसा बना लें। बात तो अभी भी वही पड़ी, बात तो अभी भी वही पड़ी। तो यहाँ पर तुम्हें सीखना क्या है कि जब भी तुम्हारे पास मॉड का तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ज़्यादातर किसी में सिमेट्रिकल बनता है, वाई एक्सिस के अराउंड, हमेशा नहीं होगा ऐसा। हम लोगों ने कितने ग्राफ देखे हैं अभी ऊपर जो सिमेट्रिकल नहीं थे, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ का यूज़ किया कि सिमेट्रिसिटी का यूज़ किया। अब तुम्हें ये बात भी समझ आ गई, क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से माइनस वन से वन अगर तुम बाहर निकल जाओ, मतलब यहाँ पे और यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर तो तुम्हारा स्टेप का फंक्शन बनेगा सिंपल वाला। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा फिर, ऐसा। बोलो क्लियर हो गई बात, समझ में आया ये, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे ऐसा ही क्यों बना, तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे टू की वैल्यू निकाल लो और माइनस टू की वैल्यू निकाल लेना, तो टू बेस की वैल्यू क्या आएगी, टू बेस की वैल्यू आएगी टू प्लस फोर माइनस वन, और माइनस टू बेस की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस टू बेस की वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी इसकी, तो टू प्लस फोर यानी कि सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव। देखो ये वन है तो ये फाइव है, तो टू बेस की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ फाइव आ रही है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ रही है फाइव आ रही है। समझ में आ गई बात कि मैंने ये कैसे बोल दिया कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा, में आ गया होगा। और हम लोगों ने बस फर्क क्या करा, क्या क्या डिफरेंस क्या था इसमें, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोगों ने बस ये देख लिया कि भाई माइनस वन से माइनस टू के बीच में और वन से टू के बीच में यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा अपर पैराबोला, और इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा लोअर पैराबोला, बस। फिर हमने ये देखा कि जीरो पे तो वन हो रहा है, माइनस वन पे भी वन हो रहा है, और इस पे वन हो रहा है, तो ये कंडीशन कैसे बनाए, तो हमने कहा ऐसे बना दे, ऐसे ना लेकर के ऐसे बना दिया, तो हमारा ऐसे बन गया, तो बस ये हमारा ग्राफ हो गया। तो हमने इस वक्त ग्राफ पे पीएचडी कर ली है इस वक्त, है ना, ग्राफ पे। इससे ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगता जेई एडवांस अब कभी भी पूछेगा, जेई मेंस की तो औकात ही नहीं है, जेई एडवांस ही पूछता है, और उसने यही पूछा था लास्ट टाइम 2013 में। तो हम लोगों ने फाइनली मॉडुलस कंप्लीट कर लिया है,
तो ये जो मेरी पूरी सीरीज है मॉडल्स की, 3 लेक्चर मैंने पढ़ाया था मैं मॉडल्स, और लगभग 3.5 घंटे से ऊपर का निकल चुका है। समझ सकते हो कि मज़ा आ गया होगा मेरे हिसाब से, मॉडल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, मैंने तो शीट के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। वरना ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर तो मेरे जितने मैंने अभी कराए हैं मैं तो कहूँगा उन्हीं को सबको सॉल्व कर लो दोबारा, तुम्हारा काम हो गया फिर मॉडल्स कंप्लीट, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे GIF, FBF और सिग्नम वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वो पीस वाइज फंक्शन, ये 3 पीस वाइज फंक्शन हमारे बचे हुए हैं, तो वो अगले लेक्चर से शुरू हो जाएंगे। मॉडल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।